उसके बाद मैंने अपना अंडरग्रेड लम्स से किया, अपना बैचलर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। मेरी पूरी जो फैमिली है, मेरे वालिद जो है वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, मेरे दादा पॉलिटिक्स में रहे हैं। एक्चुअली मेरा ननेहाल, लोगों को ये भी नहीं पता, मेरा ननेहाल भी पॉलिटिक्स में है। ठीक है, ये भी मैं आपको आज पॉडकास्ट पर बता रही हूँ। मेरी वालदा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया। मुझे तो जी पता भी नहीं था कि मैं वायरल हो गई। तो मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि देखें शायद एक वीडियो हो गई होगी, तो किसी ने लाहौर में देख ली होगी या किसी ने इस्लामाबाद में देख ली होगी। वो तो मुझे जब बाद में एहसास हुआ कि तो मैं वाकई ही वायरल हो गई हूँ, जब मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। और व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो हमारा एक बड़ा एक सिस्टम है, मर्द हजरात को जगह दी जाती है, ख़वातीन को बनानी पड़ती है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वोट्स जितने भी मिले, हाँ मैं आपके घर में आके बैठी हूँ, तो मैं वैसे नहीं बैठने लगी। तो ये मेरा कहने का वो अंदाज था, जो कि मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स ऑडियंस ने किस लिहाज में लिया है। रिजल्ट जो भी हो, अपना बेस्ट दें, तो मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं चाहूँगा सर आप एक दफ़ा अगर हमें वो बता दें बोल के जो आपकी चीज़ें वायरल हुई हैं। आप समझें कि अभी आप स्पीच कर रही हैं, लोग आपके सामने बैठे हैं, आप बताएं कि आप अपने दादा की पोती हैं और आप क्यों आई हैं। अपनी कौम, मुल्क और अपने हल्के के लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर उनकी जो है ना उनके लिए काम भी करूंगी और अपना 110 दूँ। मैं आपके साथ मौजूद हूँ और कोई भी हो मैं आपके साथ यहाँ हूँ। और आपने अपना दिल छोटा, ये भी एक हौसला अफजाई हो जाती। आप इस चीज़ का खौफ ना करें, आपने हमने इकट्ठे रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आ जाए। वो जाके सिर्फ मर्द हजरात से वोट मांगते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपनी मतलब घर की औरतों को भी कहेंगे कि आप इनको वोट डाल दें। मेरे दादा के दोस्तों ने ऐसी बात नहीं कि बेवफाई की, उन्होंने बहुत सराहा भी। हर लीडर पाकिस्तान का कहते हैं कि नौजवान, वो नौजवानों को काफ़ी टारगेट करते हैं। वो कहते हैं जी नौजवान ये करें, नौजवान वो करें। तो मैं कहती हूँ कि नौजवान से वोटर की हैसियत से रहें आप, मतलब वो सिर्फ वोट डालें, आपके वोटर बने, क्योंकि क़यादत तो मुझे किसी पार्टी में नजर नहीं आ रही। नौजवानों की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं माशाल्लाह से वो बहुत टैलेंटेड है। नौजवान ख़वातीन तो एक और वो होता है कि वो भी आगे आएँ, क्योंकि हमारे मुल्क को नई सोच की ज़रूरत है। अपने नौजवान भाइयों की और बहनों की, और मैं ख़ुद भी नौजवान हूँ और जो है मतलब मैं लम्स में भी पढ़ी हूँ। और एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में रिकगनाइज़ किया जाता है। कोई भी इंसान अगर यहाँ साइकोलॉजिस्ट देखे तो उसको पागल करार दिया जाता है। बिल्कुल, पार्क्स जो है वो करें, मतलब अगर आप वर्जिश करें और आपके पास एक वो हो तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो भी बड़ी अच्छी वो है। जी मेरा एक भाई इसके गालबन आपने सोशल मीडिया पर उनका दादा की पोती के बाद दादा का पोता भी मिल गया। तो थोड़ा सा नरमी बरते, बी काइंड। आपको नहीं पता कौन किस चीज से गुजर रहा है, तो कीबोर्ड वॉरियर्स मत बने। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और इलेक्शन अभी गुजरा है, इलेक्शन में सारे लोग एक शख्सियत को ज़रूर जानते हैं। तमाम लोग जो हैं वो अपने हल्के के लोगों को आमतौर पे जानते होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत है इनको पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया जानती है। इनकी तमाम स्पीचेस बहुत वायरल गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दादा की पोती सैयदा माहा बुखारी। हाउ आर यू माहा? आई एम वेल, आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आप काफ़ी घबरा रही थी पॉडकास्ट से, लेकिन हाँ जी मुझे थोड़ा सा जी, मैंने पहले कभी कोई पॉडकास्ट की नहीं है, तो वॉज माई फर्स्ट टाइम, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी थी। लेकिन जब फिर आपसे बात हुई तो मैंने कहा कि ज़रूर देना चाहिए, पॉडकास्ट इज़ द अपकमिंग थिंग फॉर द यूथ। चलें, थोड़ा सा हमारा प्रोफाइल इंटरव्यू होता है, उसी पे आते हैं। अपने बारे में बताइए, ये तो लोग जानते हैं ठीक है, आपका जतोई मुजफ्फरगढ़, बट वे यू बॉर्न, फिर आगे आपकी स्टडी वगैरह और अभी क्या चल रहा है? जी मैं आई वॉज बॉर्न इन मुल्तान जी, तो मैं मुल्तान में पैदा हुई हूँ। और जी मैंने अपनी स्कूलिंग भी मुल्तान में ही की है, पीकन हाउस से अपनी स्कूलिंग की थी। और उसके बाद मैंने अपना अंडरग्रेड लम्स से किया, अपना बैचलर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने अपना माइनर किया इंग्लिश लिटरेचर में, साथ मेजर पॉलिटिकल साइंस में किया, माइनर इंग्लिश लिटरेचर में किया। उसके बाद जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपना मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक पॉलिसी में। ओके, सो यू आर आल्सो लम्स ग्रेजुएट? जी आई एम अ लम्स ग्रेजुएट। लम्स के काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत जो पॉजिटिव थी वो ये थी कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको देख के हमें ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी। नॉर्मली हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मुश्किल से मैट्रिक इंटर पास या जितनी एक रिक्वायरमेंट है मुश्किल से वो डिग्री कहीं ना कहीं से ले लेते हैं बस और आ जाते हैं। तो आप कैसे आए इस फील्ड के अंदर? सिर्फ दादा की वजह से? नहीं जी, दरअसल मेरी पूरी जो फैमिली है, मेरे वालिद जो है वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, मेरे दादा पॉलिटिक्स में रहे हैं। एक्चुअली मेरा ननेहाल, लोगों को ये भी नहीं पता, मेरा ननेहाल भी पॉलिटिक्स में है। ठीक है, तो मेरा ददेहाल और ननेहाल ये दोनों पॉलिटिकल फैमिलीज हैं। तो जी पॉलिटिक्स यू कैन से इज इन माय ब्लड, एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट, जस्ट नॉट अबाउट पॉलिटिक्स कि भाई मैंने पॉलिटिक्स करनी है, बट अबाउट सर्विंग। एंड यू नो लाइक जैसे लोगों के साथ आप एक मोहब्बत होती है, आपका एक उनके साथ प्यार होता है, आपका होता है कि आपने एक जो है ना एक बेहतरी लानी है। तो मैंने अपना, जब मेरी वालदा चाहती थी, ये भी मैं आपको आज पॉडकास्ट पे बता रही हूँ, मेरी वालदा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, और उन्होंने बड़ा जोर दिया इस बात पर मैंने उन्हें कहा कि नहीं देखें मामा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो जो है मैंने अपना बैचलर्स लम्स से करना है, मेरा लम्स में एडमिशन हो गया था, मेरी बहन भी लम्स की ग्रेजुएट है। तो मैंने कहा कि मैंने लम्स में जाना है। अब जब मैं लम्स में गई तो वहाँ एक प्रेशर था कि जी आप साइंसेस रख लें या कुछ इस तरह। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस स्कूल की थी वो थी कि मैंने जो है ना अपना पॉलिटिकल साइंस करनी है। तो मुझे था कि अगर मैंने करना है तो फिर पॉलिटिकल साइंस में मैं करूँ, ताकि मुझे पता हो अगर कोई बात करे तो मतलब जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी आपकी नो हाउ होनी चाहिए। तो फिर उसी तरीके से अभी आपकी और मेरी बात हुई थी, मैं आपको बता रही थी कि मेरा जर्नलिज्म में भी एडमिशन हुआ मास्टर्स में, लेकिन मैंने पब्लिक पॉलिसी चुना क्योंकि मुझे था कि मैं पब्लिक पॉलिसी करूँगी, मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता होगा, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगी। तो आई थिंक एक हमारी ना एक पाकिस्तान के लोगों की जनरल वो है कि पॉलिटिशियंस आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो आके पॉलिसी बनाते रहते हैं, उनको पॉलिसीज़ का अलिफ बे भी नहीं पता। तो ये चीज़ मैं चेंज करना चाहती थी कि अगर आप आ रहे हैं तो वाकई आप जो है एक जो है बहुत सारे लोग बात करते हैं जी मारूसी सियासत। देखिए अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो सकता है तो अगर वो मेरिट पे आए तो अगर और वो वाकई क्वालिफाइड हो, उसने वो पढ़ा हो तो क्यों ना आ गया। तो इसी वही चीज़ मैं चेंज करना मतलब चाहती थी कि अगर मैं आना चाहती हूँ तो फिर मुझे नो हाउ हो कि क्या हो रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है और स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़रूरी है। तो एक खातून को आगे आना और फिर पढ़े लिखे खातून का आगे आना बड़ी अच्छी चीज़ है। जो दादा की पोती आपका वायरल हुआ ये आपने प्लान किया हुआ था या आपको पता था कि ये इतना वायरल चला जाएगा? नहीं हाफिज़ साहब, आप यकीन करिए मैंने अच्छा एक बात यह है सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम बन जाता है और फिर लोग एक ही चीज़ को उठा लेते हैं। जी बिल्कुल। मैंने काफ़ी स्पीचेस किए हैं और स्पीचेस में मैंने बड़ी मुख्तलिफ बातें की हैं, कुछ मैंने हल्के के बारे में बातें की हैं, कुछ मैंने वैसी बातें की हैं, वो नहीं किसी ने उठाया। तो जहाँ मैंने अपने दादा पे एम्फसाइज़ किया क्योंकि मेरे दादा ने काफ़ी काम किए हुए हैं और उनका एक बड़ी एक नेक नाम है हमारे हल्के में और जैसे जो है वो जानते हैं और उनकी लोगों के साथ उस तरह की वो जो दोस्तियाँ हैं, काफ़ी लोग उनका कि दादा के दोस्तों ने जो है क्या कर दिया बीच में, इस पर भी। तो दरअसल बात यह है कि मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया, मुझे तो जी पता भी नहीं था कि मैं वायरल हो गई हूँ। तो मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि देखें शायद एक वीडियो हो गई होगी तो किसी ने लाहौर में देख ली होगी या किसी ने इस्लामाबाद में देख ली होगी। वो तो मुझे जब बाद में एहसास हुआ कि तो मैं वाकई ही वायरल हो गई हूँ, जब मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। और तो उनका देखें अल्लाह ताला की इज़्ज़त देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो मैं कहती हूँ इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। मुझे नहीं पता था कि मैं वायरल हो गई हूँ, तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये मैं आपको कह सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने बड़ी देखी कि ज़ाहिर है सब लोग जानते थे जब आप आई आपके एक्सेंट से कि आप बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ती हैं, लेकिन आपको हमने देखा बिल्कुल देसी स्टाइल में। जी जी। तो ये आपको किस तरीके से बड़ा मुश्किल नहीं होगा मैनेज करना? बिल्कुल देसी सादा से कपड़े, बड़ी सी चादर, एक तरफ आपका लाइफस्टाइल अमेरिकन और एक तरफ आप पब्लिक में इस तरीके से। तो देखिए जी, बात ये है कि हम एक तो मैं बॉर्न एंड रेस्ड पाकिस्तानी हूँ, तो अमेरिका तो जी गए हुए मुझे सिर्फ ग़ालिबन 2 साल हुए होंगे। ठीक है। तो मैं बड़ी दिल से पाकिस्तानी हूँ, उसमें मैं वहाँ भी देसी खाने जो है ना खाती हूँ, तो काफ़ी उस लिहाज से मैं काफ़ी जो है ना, एक तो मैं बॉर्न एंड रेस्ड यहाँ की हूँ। ठीक है। तो वो उसमें कोई वो नहीं है। दूसरा ये है कि एक सादा लिबास और एक वो करना कि देखें जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं तो आपको उसी तरीके से जैसे ना एक मैंने अपनी पिछले उसमें क्या व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो हमारा एक बड़ा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत पहले तो इतनी ख़वातीन निकलती नहीं है उस एरिया में बाहर, तो उनके लिए एक निकलना भी एक जो है ना बड़ा एक स्ट्रगल है क्योंकि एक दो ख़वातीन को पहले देखिए मैं कहती हूँ और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मर्द हजरात को जगह दी जाती है, ख़वातीन को बनानी पड़ती है। ठीक है। तो जब मैं गई पहली बार अपने हल्के में तो मुझे था कि मैंने पीपल नीड टू टेक मी सीरियसली, मतलब उनको ये नहीं होना चाहिए खातून आई हैं, एक तो खातून है ऊपर से कम उम्र है, तो उनको ये ना हो कि मतलब ये कैसे आ गई हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो आई वांटेड कि मैं अपना जो है एक वो बता कर जाऊं कि नहीं मैं यहाँ सिर्फ ऊपर ऐसे नहीं आई, कोई वो बात करनी नहीं आई, मैं वहाँ यहाँ वाकई एक काम की खिदमत करने की नीयत से आई हूँ और वो मैं करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि बीच में कोई और चीज़ जो है ना उसके बीच में एक दरार बने, दीवार बने। तो एक उस तरीके से बाकी जो है हमारा एक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ वैसे सुपर क्लियर हो गई, आपने बताया अमेरिका के 2 साल हुए हैं। जी जी। मुझ समेत लोग ये समझ लेते कि शायद यू बोर्न एंड रेज इन अमेरिका और यहाँ पे आप अचानक आ गई हैं। ओके ओके ओके। नहीं, जिस तरह आपने बताया मुल्तान में स्कूलिंग है सारी, बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यहीं की पढ़ी हुई हूँ, यहीं की बॉर्न एंड रेज हूँ, यहीं के सारे तरीके हैं। तो अमेरिका गए हुए तो जी फकत मुझे 2 साल हुए हैं, तो जो है वो तो फिर एक नॉर्मल है, कोई भी लोग स्टडी के लिए जाते हैं बाहर। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रही थी कि उनको बताना आई थी, आके बैठ गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या, किसको आप वो मैसेज दे रही थी? मैं बताती हूँ जी। दरअसल हमारे उसमें मेरी मैं अपनी वालदा के एरिया की साइड की बात कर रही हूँ, तो उसमें बार बार जो है हमारे जो अपोनेंट्स हैं उस साइड पे वो कह रहे थे कि जी ये आई हैं, ये अभी सिर्फ एम ही खड़े हुए हैं, तो ये इलेक्शन से पहले बैठ जाएंगे। तो मैं उनको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी थी, क्योंकि आपको पता है जैसे कि सूरत हाल है, एक होता है कि अब देखें ना, ये आएंगे, ये बैठ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वोट्स जितने भी मिले, हाँ मैं आपके घर में आके बैठी हूँ, तो मैं वैसे नहीं बैठने लगी। तो ये मेरा कहने का वो अंदाज था, जो कि मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स ऑडियंस ने किस लिहाज में लिया है, लेकिन कहना मैं ये चाहती थी कि हम बैठ नहीं रहे। मैं विड्रॉ नहीं करी, मेरी वालदा विड्रॉ नहीं करी, हम यहीं खड़े हैं मौजूद। अच्छा, इसका एक तो बेनिफिट ये भी हुआ है आपकी वीडियोज़ वायरल होने से कि ख़वातीन को करेज मिला है। बिल्कुल, मज़ीद ख़वातीन इसको देख के उनको हौसला बनेगा कि हम भी आ सकते हैं इस फील्ड के अंदर, हम भी बात कर सकते हैं, लोग सुनेंगे। अच्छा, आपको जब आपने तकरीर वगैरह कर रही थी तो आपको उम्मीद थी कि आपको कुछ वोट मिलेंगे? आपको माशाल्लाह अच्छे खासे वोट मिले, या आप सिर्फ शौक से करी थी, या आपको पता भी था कि नहीं कुछ मिल भी जाएगा और मैं जीत भी सकती हूँ? नहीं, देखिए जी, जब आप कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं देखते कि रिजल्ट क्या होने लगा है, आप कहते हैं कि मैंने अपना 110 देना है। तो जब मैं कैंपेन करी थी, मुझे पता था कि मैं प्राइमरीली अपनी बहन की कैंपेन करी थी, और एक होता है कि आपका बहनों का प्यार होता है, मेरी बहन का बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हर बहन भाई का एक होता है। तो मुझे था कि मैं उसके लिए कर रही हूँ, तो मुझे अपना 110 देना है। तो वोट्स जितने भी मिलें, जो भी मिलें, जैसे भी मिलें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत लोगों ने सराहा भी और वोट्स भी दिए। वो जिस तरीके से आगे आप पूरे जो जितने लोगों की पजीराई हुई उस हिसाब से बहुत सारे और हलकों में भी रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे था कि मेरा जो मौक़िफ़ था वो था कि जितनी लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है उतनी उनको इज़्ज़त वापस दें, जितना उन्होंने हमारा साथ दिया है, अपनी रिजल्ट जो भी हो अपना बेस्ट दें। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा सर आप एक दफ़ा अगर हमें वो बता दें बोल के, जो आपकी चीज़ें वायरल हुई हैं, आप समझें कि अभी आप स्पीच कर रही हैं, लोग आपके सामने बैठे हैं, आप बताएं कि आप अपने दादा की पोती हैं और आप क्यों आई हैं। देखें जी, मुझे बहुत सारे लोग, ये आप हाफिज़ साहब, ये मुझे आई थिंक मेरा कोई चौथा इंटरव्यू है जिसमें मुझे सब कहते हैं कि आप उसी मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा वही जज्बा हो ना, वो एक जगह होती है, जब वो लोग होते हैं, एक तासुर होता है, तो आपके अंदर से एक जज्बा होता है। क्योंकि देखिए जब ख़वातीन बाहर आती हैं ना, तो एक होता है कि ये क्या कर सकेंगी, क्या अगर हम इनको वोट देते हैं और हम एक और पार्टी के ऑपोजिट जाते हैं तो क्या हमें ये प्रोटेक्ट कर सकेंगी। तो मेरा जो एक ये दबंग अंदाज था, जो काफ़ी लोगों ने कहा कि एक दबंग अंदाज था, तो ये बताना ये भी था कि देखिए मैं आई हूँ, अगर तो अगर आपको ये लगता है कि मैं खातून हूँ या मैं कम उम्र हूँ या मैं नौजवान हूँ, तो मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपके लिए मौजूद हूँ, तो कोई आएगा तो हम बिल्कुल जो है ना, आपने उससे बिल्कुल कोई घबराना नहीं है, कोई जो है ना खौफ की बात नहीं है, किसी भी उसमें नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो यही मैं कहूँगी कि जो है मैं आपके साथ खड़ी हूँ और डट कर खड़ी हूँ, और आपने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना, और हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। बात होती है कि आप जो है खड़े रहें और उनका साथ दें, और इज़्ज़त जो है ना एक मिलना और एक लोगों के जो है ना मोहब्बत हासिल करना, वो एक वो बड़ी बात होती है। बाकी हर चीज़ अल्लाह के हाथ में। और वो जो आपका जुमला है वो तो एक दफ़ा बताया ना, कौन से जुमले की बात कर रहे हैं? जी जी, और बिल्कुल जी, मैं अपने दादा की पोती हूँ और मैं इस बात से एग्री करती हूँ। आज भी मैं कही थी, मैंने कहा हर कोई अपने दादा की देखें। अब लोग इतने वो कहते हैं कि आप दादा की पोती हैं, मैं कहती हूँ जी मैं प्राउड हूँ, मेरे दादा अबू ने बहुत काम किए, उन्होंने बहुत नाम कमाया, नाम से ज़्यादा इज्जत कमाई। पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने दीन में माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है, और उसके अलावा भी और वैसे भी उन्होंने खिदमत की। और देखें, कहते हैं कि आपके एक हाथ का दिया और दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए, तो उन्होंने वैसे भी इंसानी खिदमत काफ़ी की हैं, तो एक उससे भी तो मैं बड़ी प्राउडली, हाँ जी मैं अपने दादा की पोती हूँ और आज हाफिज़ साहब के स्टूडियो में बैठी हूँ, और इंशाल्लाह जो है अपनी कौम, मुल्क और अपने हल्के के लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर उनकी जो है ना उनके लिए काम भी करूंगी और अपना 110 दूंगी इंशाल्लाह। एक और वीडियो मैंने आपकी जो देखी और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जिसमें आपने ये कहा कि अगर किसी ने आपको तंग किया मैं हाथ ना तोड़ दूं उसके। जी जी ये जी बिल्कुल वही वाली बात है जी, कि लोगों में एक खौफ होता है कि अगर हमारा कैंडिडेट जो है वो, अब हर जगह के अपने एक तरीके की एक डायनामिक्स होती है, तो तो उस हिसाब से लोगों को था कि अब देखें अगर ये हार जाती हैं, खुदा ना खास्ता रिजल्ट वैसे नहीं होते, तो दूसरी पार्टी ने तो हमें देख लिया इनके साथ, तो वो फिर मैंने अपने बाकी इंटरव्यूज़ में भी मेंशन किया है, तो एक वो उनके दिल में एक वो होता है। तो जब आप उनको कह देते हैं ना कि नहीं आपके साथ मैं खड़ी हूँ और आपके साथ में मौजूद हूँ, और अगर कोई आप पे हाथ उठाएगा या आपके लिए कोई करेगा तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं उनके हाथ तोड़ दूंगी, तो उनका दिल बड़ा हो जाता है। मैं एक बात करना चाहती हूँ हाफिज साहब, वो ये है कि आज के दौर में कोई किसी के घर से नहीं खाता, ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई किसी के घर से नहीं खाता, कोई किसी का भी मखरूज नहीं है। बात सिर्फ इज्जत और खुलूस की होती है। आप किसी से जाके आराम से प्यार से पूछ भी लेना, बेशक आप उनका काम ना करें, आप सिर्फ उनको जाके कहें ना कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ मौजूद हूँ और कोई भी हो मैं आपके साथ यहाँ हूँ, और आपने अपना दिल छोटा, ये भी एक हौसला अफजाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। तो उस हिसाब से मुझे था कि मैं उनकी एक दिलजोई भी करूँ कि कोई बात नहीं, आप इस चीज़ का खौफ ना करें, आपने हमने इकट्ठे रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आ जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि जब कोई कामयाब हो जाता है फिर तो कभी नहीं मिलता अपने हल्के के लोगों को। आपके क्या प्लान है अगले इलेक्शन में? अल्लाह आपको कामयाब करे। फिर आप क्या करेंगे? हल्के के लोगों को मिल लेंगी जी, फिर आप हमारा भी फ़ोन पिक कर लेंगे या फिर आप असम्बली में पहुँच जाएंगी तो फिर आप? बिल्कुल नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जो दरख्त होता है, ये बचपन से मेरी वालदा जो हैं, मेरी वालिद जो हैं वो थोड़े से लेट बैक हैं, वो हमेशा जो है ना बड़ी बड़े प्यार से, एक तो बेटियों से वालिद का वैसे ही ज़्यादा प्यार होता है, तो मेरी जो वालदा है ना जी वो बचपन से पढ़ाई के मामले भी स्ट्रिक्ट रही हैं और वैसे भी, तो उनकी एक चीज़ है, वो कहती हैं कि झुके हुए दरख्त को ना फल लगता है। तो अगर आप वो दरख्त वही मजबूत होता है जो अपनी जिसकी जड़ें मजबूत हों। तो अगर आप जिन लोगों ने आपको इज्जत दी है, जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है, जिन लोगों ने आपको मोहब्बत दी है, तो अगर आप उन्हीं को भूल जाएं तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ का कोई फायदा है करने का। आपने वैसे कितने वोट लिए थे? जी मेरी बहन ने 80,000 प्लस वोट्स पोल किए थे जी। आपने शायद आपने कहा ना दादा के दोस्तों की बात की थी काफी, जी जी, तो लोग ये भी पूछना चाह रहे थे कि दादा के दोस्तों ने बेवफाई की आपके साथ? नहीं, देखिए दादा के दोस्त साथ खड़े रहे। देखिए ये जो वफा बेवफाई का एलिमेंट, ये एक तो ये जो पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, हार जीत होती रहती बिल्कुल है। लेकिन मेरे जो दादा के जो दोस्त हैं जिन्होंने, देखें एक होता है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी, जब मैं गई और हमारे हल्के में जो है एक नहीं है कल्चर या ट्रेंड औरतों के निकलने का या उस तरह करने का, और बहुत सारी दफ़ा देखिए मैं जब इस बार कैंपेन करी थी, एक और बात बताऊँ आपको हाफिज साहब, तो पहली बार था कि हम औरतों से भी जाके वोट मांग रहे थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जाके सिर्फ मर्द हजरात से वोट मांगते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपनी मतलब घर की औरतों को भी कहेंगे कि आप इनको वोट डाल दें। तो मैंने अपनी स्पीचेस में मुतवातिर यही बात की, मैंने कहा एक खातून का जो वोट है वो उनका अपना वोट है, ठीक है, मतलब ये तो नहीं कि मर्द हजरात डालेंगे तो वो 2 वोट काउंट होंगे, खातून डालेंगे तो आधा वोट काउंट होएगा। अगर उनका भी एक ही वोट है तो जाके उनसे वोट मांगे, उनको इतनी इज्जत दें, उनको इतनी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आप उनके भी नुमाइंदे हैं कि आप उनके लिए भी उतने ही अप्रोचेबल हैं जो आप किसी और बंदे के लिए हों। क्योंकि अगर खवातीन, जो कि पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी है और वैसे भी जो माशरा जिसमें खवातीन तरक्की नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने कहा आप उनको भी जाके वो दें। तो मेरे दादा के जो दोस्तों ने, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि मेरे दादा के दोस्तों ने ऐसी बात नहीं कि बेवफाई की, उन्होंने बहुत सराहा भी, उन्होंने बेटियों की तरह मोहब्बत दी, उन्होंने बहुत इज्जत भी दी, और उन्होंने खलूस के साथ अपना उन्होंने बेस्ट किया। और मुनाफ़िकतें जी एक होती हैं, एक एलिमेंट है, वो होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। बाकी अगर इस इलेक्शन में थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया है जिस भी वजूहत की, जैसे वो पूरी कौम बेहतर जानती है किस तरह रिजल्ट जो है ना वो है, बाकी लेकिन कोई बात नहीं, 45 47 जो भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बाकी मैं अपने दादा के दोस्तों के साथ हूँ, वो भी उनकी भी मोहब्बत मेरे और उनकी जो इज्जत है जिस तरह उनके मेरे साथ है, इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अगेन आई अप्रिशिएट दैट, के क्योंकि मैं खुद भी साउथ पंजाब से हूँ, अच्छा, मुझे पता है कि वहाँ पे खवातीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनके पास जाना वोट मांगना ये तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। अगर आपने किया तो बड़ा अच्छा किया। कमिंग बैक टू यू, पॉलिटिक्स से थोड़ा हट जाते हैं वापस, कब जा रही हैं अमेरिका वापस? जी मैं बस, मेरा भी सेमेस्टर शुरू होने लगा है कुछ अरसे में, कुछ लोगों ने तो मुझे पहले ही अमेरिका भेज दिया, तो जी मैंने देखा था वो प्लीज़ हाफिज साहब उनको क्लैरिफाई कर दें। हाफिज साहब आपको बता सकते हैं कि मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, लाहौर में मौजूद हूँ, मैं बिल्कुल वापस नहीं गई, बस जी मेरा थोड़े अरसे में शुरू होने लगा है, मेरा सेमेस्टर शुरू होने लगा है, तो इंशाल्लाह बस फिर जो है। और फिर फ्यूचर प्लान आपका क्या है? अमेरिका में ही रह पड़ेंगी या स्टडी पूरी करके पाकिस्तान आ जाएंगी? इंशाल्लाह मेरी डिग्री को थोड़ा सा अर्सा रहता है, बस एक बार मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह तो मैं पाकिस्तान वापस हूँ, मुझे किन्हीं लोगों ने पूछा क्वेश्चन एयर में कि फिर आप अगले इलेक्शन पर नजर आएंगी। मैंने उनका कि इलेक्शन तो पता नहीं कब हो, अब अगले जब कभी भी हो, वो भी एक अपना अपने उसमें एक डिबेट है, तो वो जब कभी भी हो मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके यहीं वापस मौजूद हूँ। एक और मैं बात करना चाहती हूँ हाफिज साहब इसी उसमें कि हर लीडर पाकिस्तान का कहते हैं कि नौजवान, वो नौजवानों को काफ़ी टारगेट करते हैं, वो कहते हैं जी नौजवान ये करें, नौजवान वो करें। तो मैं कहती हूँ कि नौजवान से वोटर की हैसियत से रहें आप, मतलब वो सिर्फ वोट डालें, आपके वोटर बने, क्योंकि क्यादत तो मुझे किसी पार्टी में नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो क्यादत होनी चाहिए, क्यादत होनी चाहिए। अगर आप नौजवान को कह रहे हैं एक्टिव हो तो फिर उनकी क्यादत भी नजर आनी चाहिए। तो ये एक जो था मेरे उसके अंदर कि मुझे था कि अगर नौजवानों की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं माशाल्लाह से वो बहुत टैलेंटेड हैं, वो कहीं के दुनिया के किसी भी नौजवानों से कम नहीं है। जिस तरह उनमें एक वो है, एक एबिलिटी है, शायद उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही जिस तरह उनको देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी टैलेंट पाकिस्तान में, ब्रेन पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी, मैंने कहा सिर्फ वोटर्स नहीं होने चाहिए नौजवान, नौजवान क्यादत भी होनी चाहिए। तो आई अर्ज के बाकी नौजवान भी आगे आएं, और स्पेशली खवातीन वो भी आगे आएं, जो और नौजवान खवातीन तो एक और वो होता है कि वो भी आगे आएं, क्योंकि हमारे मुल्क को नई सोच की जरूरत है। अच्छा जी, अगले इलेक्शन में अल्लाह करे आप कामयाब होती हैं, असेंबली में आती हैं, आपके पास क्या प्लान है? आपको प्रॉब्लम क्या लगते हैं अपने हल्के के लोगों के या पाकिस्तान के लोगों के, और उसका सोल्यूशन आपके माइंड में होता है ना कि जी मैं आऊँगी तो मैं ये करूँगी? बिल्कुल, देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हर कोई करता है। आप जिस भी पॉलिटिशियन को उठा लें वो कहते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, रोड्स भी देंगे, चीज़ें देंगे, लेकिन कुछ कोर इश्यूज़ हैं हमारे इलाके में भी। आई थिंक ऑन लाइक एक नेशनल लेवल पे भी है, एक तालीम का जी बड़ा कोर इशू है। बिल्कुल है, ठीक है। और हमारी उसमें बीच में था, मैंने अपनी उसमें भी कहा कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम स्कूल लेवल से शुरू करें। और नेशनली एक मेरी वो भी है, अपील भी है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह इज़्ज़त दे तो मैं इस एजेंडा को भी उठाऊँ कि हमारे जो स्कूल्स हैं इनके जो करिकुलम है, ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनके करिकुलम को ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे हैं जब वो पढ़ें तो उनको उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती हैं वो पब्लिक स्कूल के बच्चों को नहीं मिलती। अब शायद बहुत सारे लोग इस बात पर कहेंगे देखें आप खुद भी प्राइवेट स्कूल की पढ़ी, तो मैं चाहती हूँ जी कि वाकई एक वो जो एक तालीम का जो कोर इशू है कि एक वो करिकुलम सही हो, और जो स्कूल्स हैं उनको सही तरीके से निगरानी में मॉनिटर किया जाए। तो एक ये जो स्कूल का इशू है, ऊपर से जो मुझे लगता है एक मेजर है जो हेल्थ का इशू है। ठीक है, हमारे गांव में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ जगह हमने भी डिस्पेंसरीज खोली हैं, लेकिन फंड्स इतने नहीं होते जी कि आप कर सकें पूरी हर चीज़ उस तरीके से मॉनिटर कर सकें। पर्सनली मैनेज करनी होती है ना, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे है कि इतने हों या जो भी हो कि हर जगह की डिस्पेंसरी हो। दूसरी जी, उसके अलावा मुझे जो एक इशू लगता है वो जब हम हेल्थ की बात करें, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ, ठीक है, जो कोई बात नहीं करना चाहता। और अपने नौजवान भाइयों की और बहनों की, और मैं खुद भी नौजवान हूँ और जो है मतलब मैं लम्स में भी पढ़ी हूँ, और एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं लेते। पाकिस्तान के अलावा अगर किसी को जी PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, किसी को जी अगर वैसे ही कोई उनकी एक चाइल्ड इशू, मतलब उनकी एक बचपन में उनको एक चाइल्डहुड उनका एक ट्रॉमा है, हर चीज़ को जी एक डिप्रेशन के ज़िमरे में डाल देते हैं। कोई भी इंसान अगर यहाँ साइकोलॉजिस्ट देखे तो उसको पागल करार दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये जो सोसाइटल स्टिग्मा है हमारा, जो एक टैबू है मेंटल हेल्थ पे, देखें बी काइंड, बी स्वीट। आपको नहीं पता दूसरा इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि उस पर क्या गुजर रही है, उसके क्या हालात हैं, तो थोड़ा सा इज्तनाब करें और मेंटल हेल्थ को समझें, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी किसी भी जो है ना, हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो दिमाग जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, जो एक मास्टर ऑर्गन है आप कह सकते हैं, तो उसका भी उसी तरह ध्यान रखें। एंड बी स्वीट, बी काइंड। आपको नहीं पता कि किसी पे कोई बात करना या किसी का दिल दुखाना, एक मैं कहती हूँ दरिया में पानी डालने की उससे एक हैसियत रखता है कि आपको नहीं पता वो कितना डीप जाता है। तो आई थिंक अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं उन लोगों को जो कि जो है ना नरमी से और नरम लहजा और एक लोगों की तरफ उनके ऐबों को वो करने की बजाय उस पर वो करें और दूसरों का ध्यान रखें। तो मेरी अपील है सबसे कि प्लीज़ एक मेंटल हेल्थ का एक इशू, और एक और हाफिज साहब कह रहे होंगे कि ये तो आके इन्होंने पूरी इश्यूज़ की एक लाइन ही लगा दी है, लेकिन एक आखिरी और इशू है जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हमारे मुल्क में और हमारे हल्के में इलाके में भी, साउथ पंजाब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और ऐसा नहीं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बीएड किया है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उनकी जॉब्स नहीं है। फिर जिस तरह जॉब्स अगर वो लेना चाहें जिस लेवल की जो उनको इस महंगाई के दौर में सही पे करें, वो उनके घर से बहुत दूर होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ कि एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके घरों में, उनके हलके में ही उनको मैसर की जाएँ कि उनको अपने घर से दूर ना जाना पड़े। और ख़ासतौर पर ख़वातीन नहीं जा सकती, मर्द हजरात फिर भी वो चले जाते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ और एजुकेशन। और हमारे इलाके में घूमने फिरने की भी कोई जगह नहीं है। मैं जी अभी यही आपको बता रही थी। आपने मेंटल हेल्थ की बात की तो उससे वही पार्क्स वगैरह और ऐसी चीजें, बिल्कुल वहाँ के लोग घूमने के लिए मुल्तान आए, बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर जाएं। और मुल्तान में भी उतना नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, वो तो मुल्तान के लिए काफी नहीं है, मुल्तान के लिए काफी नहीं है। और मेरा ये भी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत दे और इसके अलावा भी कि एक पार्क्स जो है वो करें, मतलब अगर आप वर्जिश करें और आपके पास एक वो हो तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो भी बड़ी अच्छी वो है। तो जब मैं अपनी कैंपेन करी थी उन्होंने मुझे बताया कि जतोई में पार्क की बड़ी एक ज़रूरत है, और मैंने कहा कि चलें बाकी चीज़ें तो एक वो होती हैं कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जी फंडिंग की ज़रूरत है, ये काम सबसे पहले होना चाहिए। एक पार्क होना चाहिए जाके वहाँ लोग वर्जिश कर सकें, वहाँ लोग स्पोर्ट्स खेल सकें, वहाँ लोग जो है इस तरह की जो है ना मस्बत एक्टिविटीज़ करें ताकि वो इस बाकी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कितने बहन भाई हैं आप? जी मेरी एक बड़ी बहन है जिन्होंने कंटेस्ट किया है, एक मैं हूँ, और मेरे जी दो छोटे भाई हैं, ट्विन्स हैं, और वो जी 13 साल के हैं। माशाल्लाह। उनका भी प्लान है कोई आगे फ्यूचर में, जिस तरह आपने 10 साल की उम्र में कहा कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगी? जी मेरा एक भाई इसके गालबन आपने सोशल मीडिया पर उनका दादा की पोती के बाद दादा का पोता भी तो उसको जी जरा थोड़ा सा शौक है, और वो वैसे भी वो गपशप का बड़ा शौक रखता है और वो जो है ना काफी उसमें है। तो देखें बाकी जी अभी तो काफी छोटा है, तो अब आगे उसकी अपनी मर्जी है, बाकी प्रेशर तो किसी की तरफ से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। लास्ट पे आप अपने हलके के लोगों को जी और पूरे पाकिस्तान को और दादा के दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहे तो प्लीज। मैं देना चाहती हूँ ये पैगाम कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और अगर इस बार नहीं भी बन सके तो कोई बात नहीं, अपनी मेहनत और जारी रखेंगे। और अपने इलाके के लोगों के लिए ख़ुसूसन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारा साथ दिया है, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ मजबूत कंधे से कंधे मिलाकर शाना बशाना खड़े हैं। और जितनी मेरी इस्तात हो सकी, क्योंकि देखें इलेक्ट नहीं हुए तो फंड्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी जितनी कोशिश हो सकी इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर आपके साथ मौजूद हैं। और दूसरी बात नौजवानों को मैं कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, देखें आधा सच जो है वो पूरे झूठ से भी बदतर होता है, तो थोड़ा सा नरमी बरतें, बी काइंड। आपको नहीं पता कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, तो कीबोर्ड वॉरियर्स मत बने। अगर आप वाकई एक इनकलाब चाहते हैं, आप वाकई एक बेहतरी चाहते हैं, तो वो आपके अंदर से शुरू होती है। कोई भी आप हुक्मरान बिठा दें, कोई भी लीडर बिठा दें, जब तक आप एज अ इंडिविजुअल नहीं करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नौजवान जो नस्ल है, जो हमारी यूथ है, वो एक प्रोडक्टिव चीज़ में अपनी एनर्जी इस्तेमाल करे और एक दूसरे का और अपने बड़ों की भी एक रिस्पेक्ट के साथ उनको चलते हुए, वो एक होते हैं ना डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट एक रहना चाहिए। और जो है जस्ट बी स्वीट, बी काइंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स। थैंक यू महा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हाफिज साहब।